नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टेंथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पिछले वाले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट पढ़ा था, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे वाक्य निर्माण करना सिखाया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम हिंदी में पहचान यानी हिंदी में दिए गए वाक्य को किस प्रकार से पहचान करेंगे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हो, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। आदि शब्द आते हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें हिंदी में पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहा है जो हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, और रहा था, रही थी आदि शब्द आते हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त होगा। उस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक नई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वॉज एंड वर, जिसका जिक्र अभी हम अलग अलग रूप में करेंगे कि वॉज का प्रयोग कहाँ होता है और वर का प्रयोग कहाँ होता है। ये बी की सेकेंड फॉर्म है, किसकी सेकेंड फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज एंड वर। वॉज एंड वर का प्रयोग, वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आप सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम ऑफ नाउन एंड अदर ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वॉज इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मैन वर्ब। इसका प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एज अ मैन वर्ब भी होता है। अभी यहाँ पे अपन एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे और वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट, यू नाउ वेरी वेल, यहाँ पे आई को ऐड करेंगे साथ में, आई के साथ भी वॉज का प्रयोग किया था, इसका विशेष ध्यान दोगे। एने ही, सी, इट, नेम ऑफ नाउन एंड आई प्रोनाउन के रूप में भी, यानी इसके आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। यानी आई को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, बट एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मैन वर्ब के रूप में आई के साथ अलग अलग भाव में इसका यूज होता है। मैं अभी आपके सामने रखूंगा कि आई के साथ कौन कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के रूप में अलग अलग कैसे होती है। अभी हम वर्ब को सीखेंगे। वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे एंड अदर्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मैन वर्ब। ये है हमारा
पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस टेंस का हिंदी में पहचान, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद वॉज एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आई को दोबारा सिंबलाइज करता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर आई के साथ है होता है तो एज वहाँ पे आप प्लूरल मानते हो तो आई के साथ वर क्यों नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है बट ग्रामेटिक तौर पे इसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब अलग अलग टेंसेज में अलग अलग यूज़ होती है। मैं आपके सामने पुनः एक अदर हेल्पिंग, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आई के साथ यूज़ होती है, मैं इस टेबल के माध्यम से या यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से यूज़ आपको समझाऊंगा। आई एज ए सब्जेक्ट, यदि डू और डज का प्रयोग करते हो तो आई के साथ डू का प्रयोग होता है जो प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज़ होता है। एस और यस के रूप में करते हो तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा आई के साथ। और हैज और हैव के रूप में आई के साथ प्रयोग करना चाहते हो वर्ब तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से वॉज और वर का प्रयोग करना चाहोगे तब आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। ये आप विशेष ध्यान दोगे, डू डज में डू का प्रयोग, एस और एस की फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रही है, तीसरी फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो रही है। तब तक तो हम मानते हैं कि आई एज ए सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, बट प्यारे विद्यार्थियों आई इज़ नॉट प्लूरल सब्जेक्ट, बट इसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब के मुताबिक कह सकते हैं। प्लूरल किस लिए नहीं, क्योंकि आई मैं अकेला हूँ तो आई प्लूरल है ही नहीं, बट ग्रामेटिक या ग्रामर में इस फॉर्म में इस वर्ब को इस हिसाब से इसमें यूज होता है। और वॉज वर्ब के रूप में यदि कभी आपको यूज करना पड़े तो आई के साथ वॉज का ही प्रयोग होता है साधारण सेंटेंस में। इमेजिनरी सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन यहाँ सीख रहे हैं वॉज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड वॉज वर्ब एज ए मैन वर्ब के रूप में। तो ये प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने अलग अलग रूप में किया है। अब हम हिंदी वाक्य के साथ इसको ट्रांसलेट करते हुए इस टेंस को सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दोनों वर्ब का मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूं, मन लिखा गोपाल वॉज अ गुड प्लेयर, और यही सेम सब्जेक्ट में लिखता हूं गोपाल वॉज वॉचिंग द मैच एट दैट टाइम। ये इसकी एडवर्ब भी सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थी यहां ध्यान दोगे, यहाँ पे वॉज एज ए मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ पे वॉज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके बाद यूज होने वाली मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म में प्रयोग हुई है। ये पास्ट कंटिन्यूस का है और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसी प्रकार से यदि आप कहोगे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई के साथ वॉज का प्रयोग करोगे। और मैं कहूँगा I was doing my homework myself. I was doing my homework myself. यहाँ पे was मैन वर्ब के रूप में है और यहाँ पे was हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रही है। इस प्रकार से आपको समझना है वर्ब का प्रयोग भी एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मैन वर्ब किया जाता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है तब वो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज होगी इसके साथ वर्ब, और एज ए मैन वर्ब के रूप में होता है तो पास्ट इनडेफिनेट होता है। अगला एक सेंटेंस के माध्यम से आपका ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैंने लिखा दे वर फार्मर्स, दे वर फार्मर्स। यहाँ पे वर का प्रयोग एज ए
मैन वर्ब, इसको मैन वर्ब भी कहते हैं, इसको फुल वर्ब भी कहते हैं और इसको लिंक वर्ब भी कहते हैं। ध्यान रखना 11 प्राइमरी वर्ब जो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एज ए मैन वर्ब भी होती है, 11 होती है वो। कौन कौन सी? बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर। उसके बाद डू, डज, और उसके बाद हैज, हैव और हैड। ये सारी वर्ब्स जो है यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मैन वर्ब का भी इसका जिक्र होता है, प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान दोगे, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब का भी काम करती है वाक्य में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ टेंसेस। ओके, अब हमने सीखेंगे हिंदी में कुछ वाक्य, उसको इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस ट्रांसलेट करेंगे। हम मन लिखा, हम उस दिन, हम उस दिन, हम उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, खेल रहे थे। हम उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे। हमारा टेंस जो है यहाँ से पता चल गया है, खेल रहा या रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। हम उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे, हमारा सब्जेक्ट वी, वी के साथ हम यूज़ करेंगे वर, वी वर, वर्ब है प्ले और प्ले के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, वी वर प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल, ये हमारा यूज़ हुआ फुटबॉल। ऑब्जेक्ट है वी वर प्लेइंग फुटबॉल, कब? एट दैट डे, एट दैट डे, उस दिन, एट दैट डे, इसकी एडवर्ब है। प्यारे विद्यार्थियों दोबारा देखना, हम उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस है और इसका जब सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वी वर प्लेइंग फुटबॉल एट दैट डे, ये पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए, उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा, रोहन उस शाम कहानी लिख रहा था। रोहन उस शाम कहानी लिख रहा था, तो रोहन उस शाम कहानी लिख रहा था, इसमें रोहन हमारा सब्जेक्ट है। रोहन वॉज राइटिंग अ स्टोरी एट दैट इवनिंग। यहाँ पे हम इसको व्यवस्थित करेंगे, रोहन वॉज राइटिंग अ स्टोरी एट दैट इवनिंग। इस प्रकार से ये हमारा दो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का बने। एक प्लूरल सब्जेक्ट को हमने यूज किया वर्क, और दूसरा हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हुए पास्ट कंटिन्यूस को हमने सीखा। इसी प्रकार से हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे इसका जिक्र करेंगे। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सीखें, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये इसका नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान
खेत जोत रहा था और वे उस दिन अंग्रेजी वे उस दिन अंग्रेजी सीख रहे थे। अब ये दो सेंटेंस है, इसको अपन नेगेटिव के रूप में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन नॉट लगाएंगे और उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे वापस मैं सेंटेंस को सही कर लेता हूँ, नॉट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म, वी आई एन जी के। एक किसान खेत नहीं जोत रहा था और वे उस दिन अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। नेगेटिव बनाना है हमें, नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वी आई एन जी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये इसका नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे अ फार्मर, अ फार्मर इसको प्रेजेंट भी बोलते हैं, अ फार्मर वाज नॉट, खेत जोतने को प्लाउ बोलते हैं, पी एल ओ यू जी एच प्लाउ, प्लाउ आई एन जी फॉर्म। अ फार्मर वॉज नॉट प्लाउ, क्या नहीं जोत रहा था, फार्म एफ ए आर एम, फार्म भी कह सकते हो। अ फार्मर वॉज नॉट प्लाउइंग फार्म, यहाँ पे एक किसान खेत नहीं जोत रहा था, इस प्रकार से सेंटेंस बना। वे उस दिन अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तो इसमें अपन वे को दे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा, दे वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर नॉट नेगेटिव फॉर्म है, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश एट दैट डे। पुनः ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से दोबारा व्यवस्थित रूप से हम समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। फिर हमने दो सेंटेंस लिखे कि एक किसान खेत नहीं जोत रहा था, अ फार्मर वाज नॉट प्लॉगिंग फार्म, और इसी प्रकार से वे उस दिन अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, नेगेटिव फॉर्म में नहीं सीख रहे थे, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश एट दैट डे। ये हमारी दो सेंटेंस नेगेटिव के बने। आगे हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से बनते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि हमने प्रत्येक टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का जिक्र किया है। अब हम यहाँ पे बारी बारी से उसको व्यवस्थित रूप से सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इंट्रो एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, जैसे हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर एंड क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड वॉज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करूँगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एंड अदर। इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड बन गया है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा वॉज ही गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। एक और बनाते हैं, वर यू डूइंग योर ब्रदर्स वर्क एट दैट डे, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक वर्ड से और दूसरा
वर्से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, यहाँ पे हमारा यू सब्जेक्ट है तो वर का यूज हुआ है, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही होने के कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, वॉज ही गोइंग टू मार्केट एट दैट डे। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण किया, और इसी प्रकार से हमने वर का प्रयोग करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। आगे हम डब्ल्यू एच वर्ड से सीखते हैं, तो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड से हम सीखेंगे तो ऐसे होगा What was he cleaning in his room? वो अपने रूम में क्या साफ कर रहा था? What was he cleaning in his room? इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से बनते हैं, what, who, whom, whose, which, when, how, बहुत सारे सेंटेंस जिसको आप यूज लेते हुए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अ लॉट ऑफ सेंटेंस वी कैन ईजिली मैक क्रिएट थ्रू द स्ट्रक्चर। बहुत सारे सेंटेंसेस आप पास्ट कंटिन्यूस को ऐसे देखने को मिलेंगे। अब हमने जो सीखा है वो सीखा है हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यदि वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो किस प्रकार से पूछा जाता है, उस पर विशेष फोकस ध्यान दोगे, विशेष फोकस करोगे कि एग्जाम में इस टेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये थे जो पहले अभी हमने जो सीखे, ये तो सीखे हमने सेंटेंस जिसको हम किस प्रकार से वर्ब का यूज करते हुए ट्रांसलेट मेथड याद है हिंदी टू इंग्लिश में सीखते हैं, ये था हमारा। अब जो अगला जो हमारा पड़ाव है या अगला जो हमारा स्टेप है वो है एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम एडवर्ब सीखेंगे, और एडवर्ब से जो सेंटेंस का पता लगता है तो सबसे पहले होगा एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट दैट वीक भी कह सकते हो, मंथ भी कह सकते हो, इस प्रकार से ये एडवर्ब का प्रयोग करते हुए आप इस एडवर्ब का प्रयोग करते हुए आप पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म भरोगे। जैसे शी खालिस्तान, शी खालिस्तान शू हर ड्रेस एट दैट टाइम, या फिर मैं कहूँ दे सर्च, दे सर्च द बॉल एट दैट मोमेंट। दोनों में आपको देखिए पहला सेंटेंस है सी शू, शू का मतलब होता है सिलना, हर ड्रेस एट दैट टाइम, एट दैट टाइम एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूस की, अकॉर्डिंग टू एडवर्ब के मुताबिक तुरंत हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज होगी वो होगी वॉज श्विंग, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी श्विंग। और अगला है सर्च, दे सर्च द बॉल एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म है, एडवर्ब है, इस मुताबिक हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, वो पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में दे वर सर्चिंग, दे वर सर्चिंग, ये हमारा सेंटेंस। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो है आपको इन एडवर्ब के मुताबिक आपको टेंस भरना है। अब एक और मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इन एडवर्ब के सिवाय पास्ट पूछा जाता है, वो किस रूप में पूछा जाता है, विशेष ध्यान दोगे, वो पूछा जाता है आपको वही वेन या एज से कनेक्ट होके सेंटेंस पूछा जाएगा, और वो आपको विशेष परिस्थिति में यहाँ पे सीखा जाएगा। ध्यान से सीखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी वहील से लिंक हुआ होगा सेंटेंस, तो वहील से लिंक होगा तो आपको दो फॉर्म पूछी जाएगी, यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, विशेष ध्यान दोगे, ये सेंटेंस, ये टेंस यदि एग्जाम में पूछा गया है तो उन एडवर्ब के सिवाय स्पेशली इस रूप में पूछा गया है, तो यहाँ पे वॉज और वर प्लस आईएनजी, पहला टाइप, टाइप वन या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप ये है, जैसे मैंने लिखा कि आई वॉज रीडिंग व्हाइल माई
मदर ब्लैंक वॉच टीवी, एक सेंटेंस ये है। एक लिखा मैंने यहाँ पे सी और यहाँ वर्ब पूछी कुक मील व्हील वी वर रीडिंग। ये सेंटेंस आपके सामने दो सेंटेंस मैंने रखे हैं वहील का पहला स्टेप। बहुत सारे सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस में यदि प्रश्न एग्जाम के लिहाज से पूछा जाएगा तो किस वे में पूछा जाएगा। इसको पढ़ोगे वहील से कनेक्ट होगा। पहले सेंटेंस देखिए, आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे वहील से कनेक्टेड है वॉज रीडिंग, ये वहील से कनेक्टेड है सेंटेंस। और इधर पास्ट कंटिन्यूस का हुआ है तो उधर देखना है, यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस आई एन जी भी आ सकता है, वी टू भी आ सकता है, लेकिन अब यहाँ देखना है यहाँ पे कार्य किस प्रकार से हो रहा है। आई वॉज रीडिंग वहील, माई मदर वॉज वॉचिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट या जो एक्टिविटी हो रही है वो बिल्कुल कंटिन्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम वॉचिंग करेंगे आई एन जी फॉर्म। ध्यान से देखिए, वहील से कनेक्ट होगा, आई वॉज रीडिंग वहील, माई मदर वॉज वॉचिंग टीवी, मैं पढ़ रहा था जब मेरी माँ टीवी देख रही थी। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है शी कुक मील वहील। दोनों तरफ से आपको फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, खालिस्तान या ब्लैंक नहीं पूछा जाएगा, एक तरफ से आपको वर्ब बने एक में दी होगी ताकि आपको पता चले कि भी टेंस किस फॉर्म में चल रहा है या किस टेंस वर्ब किस टेंस में चल रही है। तो यहाँ वर रीडिंग दे दिया है, वी वर वर रीडिंग दे दिया, यानी कि वर प्लस आई एन जी दे दिया है। तो इधर देखना है यदि इवेंट त्वरित नहीं है कंटिन्यूट है, अगर घटना या कार्य लगातार चल रहा है तो आप दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे वॉज कुकिंग होगा, क्या होगा वॉज कुकिंग, ये पहला स्टेप वहील का है। दूसरा हम वहील का सीखेंगे, ये ध्यान से देखोगे दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू, दोनों कार्य निरंतर चल रहे, दोनों कार्य लगातार चल रहे थे, दोनों कार्य जब लगातार चल रहे थे दोनों तरफ वाजवर का प्रयोग हुआ है। अब हम एक सेंटेंस और वहील का सीखेंगे जिसमें एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस तो एक तरफ वी टू का प्रयोग किया जाता है। विशेष ध्यान दोगे, विशेष ध्यान दोगे, अगला ये स्टेप है वही वाज वर्ब प्लस आई एन जी और दूसरी जगह आपको दूसरा टेंस वी टू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं लिखा कि आई वॉज टीचिंग वही अवर प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, और ब्लैंक में मैं लिखा एंटर, एंटर। ध्यान देना, एक और लिखता है सेंटेंस, एक और लिखते हैं, जैसे वी वर गोइंग टू स्कूल, वी वर Going to school, वहील वी सा अ ब्यूटिफुल डियर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला स्टेप आपको वहील का मिला है जिसमें सेंटेंस में एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस तो दूसरी तरफ आपको वी टू का प्रयोग करना है। वी टू का प्रयोग आपको कैसे पता चलेगा, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो वर्ब है क्या वो वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में चल सकती है या चलेगी, तो यहाँ पे जब आप उसका मीनिंग निकालोगे तो वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था जब प्रिंसिपल सर आए यानी प्रवेश किया, देन वी यूज एंटर्ड होगा, एंटर्ड, ठीक है एंटर्ड। और आप सेंटेंस को बढ़ाना चाहो तो इन द क्लास, एंटर द क्लास, नो इन द क्लास, क्योंकि एंटर के साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस यहाँ पे एंटर का एक अपवाद है जहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, बट यहाँ पे एंटर के साथ किसी भी प्रकार का इन टू या इन का प्रयोग नहीं करोगे, ये विशेष ध्यान दोगे। लेकिन हमारा जब टेंस में फॉक्स डालते हैं तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट या जो भी घटना या क्रिया जो हो रही है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो रही, प्रवेश किया। उसी प्रकार से अगला देखो, वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे, वही वी
सी की फॉर्म डालनी है। अ ब्यूटीफुल डियर, एक हिरण देखा। अब हिरण देख रहे थे, सी के साथ आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आती है, पहले हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है सा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पास्ट कंटिन्यूस को यहाँ पे व्हिल का प्रयोग इस तरीके से सीखा। इसमें और भी यूजेज होते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम व्हिल को यहाँ पे छोड़ देते हैं, व्हिल का अगला स्टेप और पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस को आगे वाले स्टेप पढ़ेंगे। थैंक यू।